Assalamualaikum dear students, welcome to course edX. मैं हूं आपके instructor मोहम्मद सलमान और आज का हमारा topic है software terminologies. सबसे पहले आते हैं licenses are proprietary softwares. ये वो softwares होते हैं जो user को मुफ्त में नहीं मिलते, बल्कि user ने कुछ पैसे देने होते हैं. फिर इस सॉफ्टवेयर की एक की आपको मिल जाती है, एक लाइसेंस आपको मिल जाता है, तब जाके आप इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इनके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, या आप एक साल के लिए सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, या आप तीन साल के लिए एक सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, पांच साल के लिए आप परचेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप परचेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर मनी. जितना आप पैसे देंगे उसी के बेस पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा. जब आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, आपने फिर से पेमेंट करनी होती है और वो आपको उसका दूसरा वर्जन फिर देते हैं. अब हम तो पाकिस्तान में रह के, या हम यहाँ पे एशिया में कुछ मुल्क हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कास्ट खरीदते हैं. हम विंडोज भी फ्री ऑफ कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक लाइसेंस विंडोज खरीदते हैं. तो लाइसेंस विंडोज के लिए आपने पैसे देने होते हैं, उसी के बेस पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा. तो ये था हमारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर और प्रोपेरिटी. दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, लेकिन वो सोर्स कोड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा. आपने पैसे देने होते हैं, उन्हीं पैसों के बेस पे आपको सोर्स कोड दिया जाएगा. फिर आप उस सोर्स कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं, आप उसमें स्टडी भी कर सकते हैं. अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो उनमें हमारे पास आता है लिनक्स. तो लिनक्स उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है. अपाची हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी सोर्स कोड अवेलेबल होता है. आपने सोर्स कोड परचेज करना होता है, तब जाके आप उस सोर्स कोड में लर्निंग कर सकते हैं, आप उसे स्टडी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन अपडेशन सब कुछ आप कर सकते हैं. थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है शेयरवेयर. शेयरवेयर इज आल्सो नोन एज ट्रेलवेयर. इसको हम ट्रेलवेयर भी कहते हैं. ये एक ट्रेलर की तरह होता है. जैसे एक मूवी आती है तो मूवी से पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है. अब ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर का एक ट्रेलर होता है. पहले आपको मुफ्त में दिया जाता है कि आप कुछ वक्त के लिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ इसको इस्तेमाल करें. मतलब एक दिन के लिए आपको ट्रायल दिया जाता है, तीन दिन का ट्रायल होता है, सेवन डेज का, एक महीने का भी ट्रायल होता है. जिस तरह आप IDM करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो वो 30 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है. तब जाके वो आपको कहते हैं अगर आप इसको फुल टाइम लाइफ टाइम के लिए आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें पैसे दें, क्योंकि आपने इसको इस्तेमाल किया. अगर आपको ये पसंद आ गया हो, हम लोग 30 दिन के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो हम उसको अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर 30 दिन के लिए ट्रायल. लेकिन असल में ये जो बनाया गया है, कुछ वक्त के लिए आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ एक ट्रायल दिया जाता है ताकि आप इसको इस्तेमाल करें. अगर ये आपको पसंद आ जाए तो आप पैसे दे दें और इसका फुल वर्जन, फुल फंक्शनैलिटी के साथ फुल टाइम के लिए आप इसको खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप इस तरह बहुत से प्ले स्टोर पे आप इस तरह सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए आपको वो दिया जाता है, तो वो शेयरवेयर और ट्रेलवेयर सॉफ्टवेयर्स कहलाता है. आखिरी नंबर पे हमारे पास है फ्रीवेयर. फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से वो डाउनलोडेबल होते हैं. प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. कैमरा हो गया, इसके अलावा डिक्शनरी हो गई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जितने गेम्स हो गए, वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है. इसके अलावा हमारे पास फर्मवेयर, या इसको फर्मवेयर भी कहते हैं. फर्मवेयर या फर्मवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी हार्डवेयर में एम्बेड होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. जैसे कि मैं आपको कह दूं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम में फिक्स होता है. तो हम कह सकते हैं कि बायोस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर दैट इज एम्बेडेड इन रोम. इसके अलावा
आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है, तो जैसे आप मोबाइल परचेज करते हैं उसमें एक बिल्ट इन कैमरा होता है, तो वो कैमरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर में फिक्स होता है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।